हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी भाजी, और भाजी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे गोभी, प्याज, घिया, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च। पाव भाजी मसाला ले लिया मैंने, हींग, नमक, गरम मसाला और हल्दी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन को गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद हम अपनी सारी की सारी सब्जियां डाल देंगे, जैसे शिमला मिर्च डाली, गोभी डाली, घिया डाला और आलू डालेंगे, और साथ ही में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद करके पका लेंगे, एक जब तक हमारी एक से दो विसल नहीं आ जाती। अब दो विसल आ चुकी है, मैंने अपनी गैस ऑफ कर दिया। अब गैस ऑफ करने के बाद मैं इसको खोल लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो आपकी सारी की सारी सब्जी हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। पकने के बाद आप गैस ऑन करोगे और जितनी भी सारी सब्जी हैं उनको अच्छे से स्मैश कर लोगे, अच्छे से मिंद लोगे, अच्छे से सारी सब्जियों को अच्छे से मिंद लेना और उसका एक पेस्ट टाइप बना लेना मिंदने के बाद। अब देखिए मैं इसको अच्छे से स्मैश भी कर रही हूँ, मिंद भी रही हूँ, और साथ में इसका जो पानी है सब्जियों का वो भी उबलने दे रही हूँ, जिससे पानी जो सारा है सब्जियों का वो सूख भी जाए और आपकी सारी सब्जियों की सब्जियाँ अच्छे से मिंद भी जाए। तो गाइस अब हमारी सारी की सारी सब्जी जो है अच्छे से देख सकते हो आप, मैंने मैश कर ली है। मैश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक अपना बर्तन लेंगे और गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद उसके अंदर हम अच्छे से तेल डालेंगे, 2-3 टीस्पून्स। अब तेल गर्म हो गया, तेल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर चुटकी सी हींग डालेंगे, और हींग जैसे ही आपकी हो जाएगी, भुन जाएगी, आप उसके अंदर अपने प्याज डाल दीजिए और अच्छे से खिला के इनको भुनने दोगे जब तक आपके प्याज जो है ब्राउन नहीं हो जाते, आपने इनको अच्छे से चलाते रहना। अब आपके जो प्याज हैं वो थोड़े थोड़े ब्राउन होना स्टार्ट होने लग गए हैं, इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, अपना नमक डाल देंगे। याद रखिएगा आपने सब्जी उबलते टाइम भी नमक डाला था, तो इस टाइम पे जो आप नमक डालोगे वो थोड़ा ही डालोगे, और साथ में गरम मसाला और हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लोगे और इसको पका लोगे। और आपने ये तब तक पकाना है जब तक आपके प्याज जो है उनमें से तेल अलग ना हो जाए। अब देखिए आपका जो प्याज है उसमें से तेल अलग होना स्टार्ट हो रहा है, इसको हम एक मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है प्याज से, तो इसी टाइम पे हम अपने टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे और भून लेंगे, अपने प्याज टमाटर की मिक्सचर को अच्छे से पका लेंगे। अब तो आप देख सकते हैं जो आपका मसाला है उसमें से तेल अलग होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो आपका मसाला वो अच्छे से पक चुका है। अब इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, अपनी उबली हुई सब्जियां अपने मसाले में डाल देंगे। ऐसे करके अपनी सारी की सारी सब्जियां अपनी मसाले में डालते जाएंगे। अब मसाले में डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने अपनी जो सारी सब्जियां वो अच्छे से मिक्स कर लिए मसाले में, अब हम क्या करेंगे इसमें 2 चम्मच अपने पाव भाजी मसाले के इसमें डाल देंगे। ये रहा एक और ये रहा दूसरा चम्मच। अब हम डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे, अपने पाव भाजी मसाले को अपनी भाजी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपकी जो भाजी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाला के साथ,
और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में घी को। याद रखिएगा घी डालने से इसमें बहुत अच्छा एक मीठा सा फ्लेवर आ जाएगा और उसी से ही आपकी जो पाव भाजी है थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी तीखी बनती है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आपकी जो पाव भाजी है वो बनके तैयार हो गई है। जैसे कि आपको सबको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से मुझे मार्केट से पाव नहीं मिले, तो आप इसके साथ पाव की जगह ब्रेड भी खा सकते हो। ये रही एक आपको ट्रिक। और ब्रेड को आप क्या कीजिए, तवे पे सेक लीजिए और उसको आप इसके साथ अच्छे से इस भाजी के साथ खा सकते हैं। पूरा आपको पाव भाजी का ही फ्लेवर मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि जब भी आपने ब्रेड लेनी है उसको अच्छे से सेक लेना है, और जैसे ही आप पाव भाजी खाने लगोगे तो आपने पाव भाजी लेनी है और इसके ऊपर से थोड़ा सा लेमन और थोड़े से कच्चे प्याज डाल लेने हैं, तो उससे और ज़्यादा स्वाद आता है पाव भाजी का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।